हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास साइंस के लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 हमारा जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट किए थे एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम क्या है सेफ्टी सेव्स। अब इस चैप्टर में क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन में क्या दिया है, आइडेंटिफाई दीज पीपल दे हेल्प अस स्टे सेफ, लुक एट द पिक्चर्स एंड गैस हु दे आर। आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ क्या पिक्चर बनी हुई है, इनसे आपको गेस करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ कहते हैं ही हेल्प्स अस कीप अवर होम सेफ फ्रॉम थीव। ये क्या होते हैं, ये हमारे घर को चोरों से बचाते हैं, तो ये कौन होते हैं, गार्ड होते हैं, ओके। ही हेल्प्स अस क्रॉस द रोड सेफली, ये जो होते हैं हमें रोड सेफली क्रॉस कराते हैं, ये कौन होते हैं, ट्रैफिक पुलिस। फिर ये ही हेल्प स्टॉप फायर सो दैट वी आर सेफ, ये हमें आग से बचाते हैं, तो ये कौन होते हैं, फायर फाइटर। फिर शी हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी, ये हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, तो ये कौन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ठीक है। ये आप लोग फिल कर लेंगे। लेट्स फाइंड आउट, हम स्टार्ट करते हैं सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, देखो, रीना वॉज प्लेइंग फुटबॉल विथ हर फ्रेंड्स इन द पार्क, हाउएवर शी डिड नॉट वियर प्रॉपर शूज फॉर प्लेइंग फुटबॉल, शी किक द बॉल हार्ड टू स्कोर द विनिंग गोल, हर टो नेल ब्रोक वाइल किकिंग द बॉल एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, रीना स्टार्टेड क्राइंग, ऑल हर फ्रेंड्स गैदर्ड अराउंड हर टू टेक हर होम। क्या हुआ, एक है लड़की रीना, वो फुटबॉल खेल रही है अपने दोस्तों के साथ पार्क में, पर हुआ क्या कि उन्होंने प्रॉपर शूज नहीं पहना है जो फुटबॉल खेलते समय में पहनना चाहिए, उनने बॉल को बहुत जोर से किक किया ताकि वो विनिंग गोल कर सके, है ना। लेकिन उससे हुआ क्या, उनका जो नाखून का जो नेल था वो टूट गया और वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, और वो रोने लगी और उनके सारे फ्रेंड उनको लेकर उनके घर जाने लगे, ठीक है। अब पेज टर्न करेंगे और देखेंगे, दिस वॉज एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हैपन वेन वी आर नॉट केयरफुल, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। ये क्या था, ये एक एक्सीडेंट था, और एक्सीडेंट कब होता है, जब हम ध्यान नहीं देते हैं किसी चीज पर, जब हम केयरफुल नहीं होते हैं तब एक्सीडेंट्स होते हैं ना, और हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं कुछ सेफ्टी रूल फॉलो करके। जैसे सेफ्टी रूल्स एट होम, घर में सेफ्टी रूल कैसे होते हैं, वी शुड बी केयरफुल इवन वेन वी आर एट होम, स्लिपिंग एंड फॉलिंग ऑन अ वेट फ्लोर एंड फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स आर सम कॉमन एक्सीडेंट्स दैट मे हैपन इनसाइड द हाउस। देखो, हमें हमारे घर के अंदर भी सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए, जैसे कि फिसल के गिरना फ्लोर पे, गीले फ्लोर पे, या फिर सीढ़ियों से गिर जाना, काफी कॉमन एक्सीडेंट्स है जो हमारे घर में हो सकते हैं, है ना। जैसे चिल्ड्रन शुड नॉट लाइट अ स्टोव और ट्राई टू स्टीर फूड कैप्टन अ स्टोव, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्टोव कभी जलाना नहीं चाहिए, गैस कभी जलाना नहीं चाहिए, जो फूड है गैस पे रखा हुआ ऑलरेडी गर्म उसको कभी निकालने का ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गर्म होता है, आपको लग सकता है ना। नेवर प्ले विथ और यूज शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ नाइफ, मैच बॉक्स और मैच स्टिक, कभी भी कोई शार्प चीज या जो डेंजरस हो सकती है वो चीज, जैसे चाकू है, माचिस है और उसकी स्टिक्स हैं, उनका यूज नहीं करना चाहिए, कभी जल सकते हैं, हमें कट सकता है, लग सकता है ना, इसीलिए। कीप द स्टेयरकेस एंड पैसेज क्लियर, हमेशा सीढ़ियों को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, उस पर खिलौने नहीं फेंकना चाहिए अगर आप स्लिप होकर गिर गए तो, इसीलिए, है ना। वियर फिटेड कॉटन क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन अ किचन, लूज सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजिली, आपको हमेशा कॉटन क्लोथ्स किचन में पहनना चाहिए जो फिट हों, लूज या सिंथेटिक क्लोथ नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, है ना, इसीलिए। प्लांटिंग थ्रोनी, डिड यू नो, में देखो क्या दिया, प्लांटिंग थ्रोनी शर्ब्स सच एज रोज बुशेस नियर विंडो मे डिटर थीव्स फ्रॉम एंटरिंग योर हाउस, अगर आप खिड़कियों के पास में कोई कांटे वाले झाड़ लगाओ, जैसे कि रोज है, अगर आप वो लगाओगे तो जो चोर होते हैं वो आपके घर में घुस नहीं पाएंगे, नहीं तो उन्हें कांटे चुभ सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। ऐसे दिया रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी में क्या दिया, ट्विंकल ट्विंकल ट्रैफिक लाइट ऑन द कॉर्नर शाइनिंग ब्राइट, यहाँ ट्रैफिक लाइट है जो कि जल रही है कॉर्नर में, ठीक है। रेड मीन्स स्टॉप एंड ग्रीन मीन्स गो, रेड का मतलब क्या है, रुक जाओ, ग्रीन का मतलब जाओ, येलो मीन्स गेट रेडी टू गो, और येलो का मतलब क्या होता है कि आप तैयार हो जाओ जाने के लिए। फिर ट्विंकल ट्विंकल ट्रैफिक लाइट ऑन द कॉर्नर शाइनिंग ब्राइट, कि ट्विंकल ट्विंकल करके एकदम चमक चमक के ट्रैफिक लाइट्स हैं वो जल रही हैं, कहाँ, ऐसे कॉर्नर में। अ ट्रैफिक सिग्नल हैज थ्री कलर्ड लाइट्स, हमने देखे ट्रैफिक सिग्नल में तीन कलर की लाइट होती है, रेड येलो और ग्रीन, रेड इंडिकेट करती है रुकना, येलो इंडिकेट करती है कि आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, और ग्रीन सिग्नल क्या करता है, बोलता है कि आप चलो। वी शुड क्रॉस द रोड ओनली वेन द लाइट इज ग्रीन, और हमें रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जब लाइट कैसी हो, ग्रीन हो, ठीक।
फिर यहाँ आपका क्या दिया, वी शुड टुक लेफ्ट राइट एंड देन अगेन लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, वी शुड ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। देखो हमें हमेशा सही साइड से चलना चाहिए, उसके बाद में हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर से चलना चाहिए, ठीक, और आजू बाजू देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही आप लोग को रोड क्रॉस करना चाहिए। फिर वी शुड वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ, हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, जो पैदल वाले वो फुटपाथ पे चलना चाहिए। इफ देर इज नो फुटपाथ ऑन द रोड, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, अगर मान लो रोड पर फुटपाथ नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आपको रोड के लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है कि क्रॉस करते समय हमें हमेशा लेफ्ट साइड से चलें, फिर राइट साइड क्रॉस करें और फिर लेफ्ट साइड से चलने लगे, है ना, तो आपको रोड पर हमेशा लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए। वी शुड नेवर प्ले और रन ऑन द रोड, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड विद द हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन, हमें रोड पर कभी खेलना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, जब हम रोड क्रॉस करें तो हमें किसी बड़े इंसान के साथ रोड क्रॉस करना चाहिए, ओके। वी शुड ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रेवलिंग इन अ कार, जब हम कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें हमेशा सीट बेल्ट को पहनना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर और मोटरसाइकिल, देखो हमें हम जब भी टू व्हीलर राइड कर रहे हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं, चाहे वो स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, कुछ भी हो, है ना, तब हमें हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू स्टे सेफ ऑन रोड, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रोड पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें ताकि हम खुद को बचा सकें, सेफ रह सकें, हमारे साथ साथ दूसरे भी उनके रह सकें, है ना। फिर आपका होमवर्क है लेट्स ट्रेवल, काफी सिंपल है, आपको कलर करना है, कलर द पिक्चर इन विच सेफ्टी रूल्स आर कलेक्टली फॉलोड, आपको वो पिक्चर पे कलर करना है जिसमें सेफ्टी रूल एकदम करेक्टली फॉलो हो रहा है, और फिर जो दूसरी पिक्चर बचती है उसमें आपको मिस्टेक्स निकालना है कि कौन सी मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग ये देखेंगे और अब ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि अगर आपसे नहीं बनेगा तब फिर मैं आपको बताऊंगी। तो आज का हमारा सेशन यहीं फिनिश होता है, काफ़ी सिंपल सा था जो आज हमने पढ़े, फिर भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।